दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका पहुंचते ही मानो हार्दिक पांड्या में तो अलग ही पावर देखने को मिली है। हार्दिक पांड्या ने एंट्री स्क्वाड मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ऐसा कारनामा कर दिया जिसको देखने के बाद शायद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए बताते हैं दूसरे इंटर स्क्वाड मैच की पूरी हाईलाइट के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या हार्दिक पांड्या को भी T20 वर्ल्ड कप वाली भारतीय टीम में शामिल करना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय टीम को जुलाई के महीने में श्रीलंका के साथ दो सीरीज खेलनी है, जिसके लिए BCCI ने युवाओं वाली ये भारतीय टीम श्रीलंका के लिए रवाना कर दी। बता दें, सीनियर खिलाड़ी इस समय इंग्लैंड में मौजूद हैं। उन्हें इंग्लैंड के साथ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। ऐसे में टीम का कप्तान शिखर धवन को बनाया गया है। बता दें, 28 जून को ही टीम श्रीलंका के लिए रवाना हुई थी। उसके बाद पहले एक इंट्रा स्क्वाड मैच खेला जा चुका है, जिसमें भुवनेश्वर कुमार ने शिखर धवन की टीम को हरा दिया था। खिलाड़ियों के बीच एक बार फिर से ये प्रैक्टिस मैच खेला गया था। एक बार फिर शिखर धवन की कप्तानी वाली टीम थी, तो वहीं दूसरी तरफ भुवनेश्वर कुमार कप्तानी कर रहे थे। लेकिन अब की बार बल्लेबाजी करने उतरी भुवनेश्वर कुमार की टीम, जिसमें देवदत्त पाडिकल, ईशान किशन और संजू सैमसन जैसे और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी शामिल थे। बता दें, भुवनेश्वर कुमार की टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन देवदत्त पाडिकल ने बनाए। उन्होंने 33 गेंदों में 53 रनों की शानदार पारी खेली। लेकिन इसके बाद नवदीप सैनी की आग उगलती गेंदबाजी के वो शिकार हुए। आपको बता दें, संजू सैमसन ने भी 32 रन बनाए, जबकि अंत में हार्दिक पांड्या ने तेज बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचा दिया। पांड्या ने 28 बॉल में 71 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार की टीम 20 ओवर में 192 रन तक पहुंचने में कामयाब रही। शिखर धवन की टीम के ऊपर वैसे तो थोड़ा सा दबाव था, क्योंकि इससे पहले खेला गया इंट्रा स्क्वाड मैच में शिखर धवन की टीम को हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस मैच में पृथ्वी शो ने 16 गेंदों में 21 रनों की पारी खेली, जबकि सूर्य कुमार यादव ने 22 गेंदों में 39 रन बनाए। वही टीम के कप्तान शिखर धवन ने इस मैच में लड़ने की कोशिश करी और शानदार बल्लेबाजी करते हुए देखे गए। धवन शुरुआत से ही क्रीज पर अपनी आंखें जमाने में कामयाब हो गए और उसके बाद तो बल्लेबाजी करना उनके लिए काफी हद तक आसान हो गया था। किसी भी गेंदबाज की शिखर धवन के सामने एक नहीं चली। उन्होंने 193 रन के इस बड़े लक्ष्य को बेहद ही छोटा बना दिया था। बता दें, शिखर धवन का ये तूफान इतना ज्यादा खतरनाक था कि उन्होंने सिर्फ 31 गेंदों का सामना करते हुए ही 62 रन ठोक डाले और उनकी पारी की बदौलत ये मैच पूरी तरह से एक तरफा हो गया था। लेकिन जैसे ही शिखर धवन आउट हुए, कोई भी बल्लेबाज इस शुरुआत को आगे नहीं ले जा सका और हार्दिक पांड्या वाली टीम ने इस मुकाबले को 11 रन से जीत लिया। दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करी, उनके सामने सभी गेंदबाज छोटे नजर आए थे और उन्होंने श्रीलंका की टीम को पूरी तरह से चेतावनी दे दी है कि शिखर धवन की कप्तानी वाली टीम बिल्कुल भी श्रीलंका के गेंदबाजों को बख्शने के मूड में नहीं है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से हार्दिक पांड्या का बल्ला यहां आग उगल रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो जल्द T20 वर्ल्ड कप की टीम में भी वापसी करने वाले हैं। और आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा में किस खिलाड़ी को T20 वर्ल्ड कप की टीम में खिलाना चाहिए, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें और इस तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।